यहाँ पे अरु महाराज जी जो चेयर पे बैठ के आराम से ब्रश कर रहे हैं, वहाँ नाश्ता बन रहा है, यहाँ फैमिली में सब फंक्शन सब। तो तुम्हारा ना एयरपोर्ट से बाली नज़दीक पड़ता है, तो वीडियोस जो है आप लोगों को थोड़ा मैनेज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि शादी का घर था। मेरा फ़ोन तो कहाँ लावारिस की तरह पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं। सबसे क्लिप्स मांग मांग के मैंने वीडियो जो है एडिट किया है, तो आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। क्योंकि मेरी ही शादी थी तो मैं फ़ोन चाहकर भी अपने हाथ में नहीं रख सकती थी। यहाँ पर जो है अब रस्म स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर घर के 5 जेंट्स या 7 जेंट्स या 11 जेंट्स जितने भी रहते हैं, लेकिन हाँ शादीशुदा जेंट्स लोग वो सब मंडप को जो है छावते हैं। उसके बाद मैंने मंडप जो छबाया उसमें हल और बांस की कनकी लगती है, तो इस बार रेडीमेड मंडप था। बस बीच में हम लोगों ने हल और बांस की कंची को लगा दिया था, तो उसके बाद मैंने उसकी पूजा की। और यहाँ मामी जो हैं आलपोना जो होता है उन सब से पीठ की पूजाई होती है, तो इस टाइम सब नहा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ, क्योंकि बस एक ही मामी आई थी और मामी लोग जितनी एक्टिव है वो लोग नहीं आए, तो ये पूजा भी जो है ये रस्म जो है बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। मंडप छवने के बाद अब हम लोग निकल पड़े दूसरे रस्म के लिए। ये है दाल धोवाई की रस्म, मतलब पानी कटाई जिसको बोलते थे। पहले ये सारी रस्में कुआं तालाब पे जा कर के होती थी, या चापकल जो होता है उस पर होती थी, बट अभी ना चापकल मिलता है ना ही तालाब मिलता है। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तालाब है, बट वो तालाब बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, तो हमारे घर में ही जो नल है वहाँ पर गए, वहाँ पर ये रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। बड़ी भाभी को बहुत आइडिया है इन सब चीज़ों के बारे में। अब आलता से पांव कलर हो रहा है। बेचारी लड़की परेशान हो गई है। प्रैक्टिस ससुराल जाने का क्यों किया? दिख रहा है ये नहीं है। मम्मी मटकोर वाली जगह को बड़ी भाभी ने जो है बहुत अच्छे से साफ कर दिया है, और थोड़ा पानी डालकर जो है सालू दीदी अब मिट्टी निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस मिट्टी को बांध करके ले जाया जाता है और इसकी पूजा होती है। किन किन लोगों को ये रिचुअल्स पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो
लिखवाया था कुदाल की पूजा हो जाने के बाद माटी कोड़ा जाने के बाद यहाँ जो है जो बहनें मिट्टी कोड़ती है उनकी पीठ की पूजा होती है और उनको नेक दिया जाता है। तो मेरी सालू दीदी और पिंकी दीदी ने ये नेक किया था, मतलब ये रस्म किया था। तो मम्मी जो है दोनों की पीठ की पूजा की है और उन दोनों को कुछ नेक भी दिया है। रह रह के इल्लू को डांस का याद आ रहा है। एक बार ब्रेक लगा ले रहे हैं, फिर स्टार्ट हो जा रहे हैं। खूब 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 सारी मस्ती की है, बहुत सारा डांस किया है और मुझे तो ऐसा लग रहा था अब दुल्हन होके मुझे सबने इतना नचाया, मुझे बेशरम दुल्हन का अवार्ड ना मिल जाए।
नाच गाना मस्ती बहुत हुआ। फिर हम लोग सात देवी का जो मंदिर होता है, सात बहन देवी जो होती हैं उनके मंदिर में गए, वहाँ पे पूजा किया। पूजा करने के बाद पास में ही शंकर भगवान बजरंग बली का भी मंदिर था, वहाँ पे भी दर्शन किया। और घर आने के बाद फिर से मुझे हल्दी लगना स्टार्ट हो गया। तो आप लोगों को वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मुझे पता है आज मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही हूँ, पर कोई बात नहीं, मेहंदी शादी का भी लुक देखने के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। जब तक मुझे भाभी हल्दी लगा रही है और मेरा रंग निखार रही है, आप लोग मटकोर की फ़ोटोज़ जो है लाइक कीजिए।